नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई नए टॉपिक पे, नई कंट्री के साथ में। शायद पहला वीडियो हमारा इस चैनल पे रहेगा, ये चैनल स्टार्ट करने के बाद में, इराक। जी हाँ साथियों, अब इराक के नाम से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन भाई देखिए, इराक के मैं बता दूं, इंडिया में 30,000 लोग बैठे हैं जो वर्कर हैं, जो काम करने के लिए गए थे, जिसमें राजस्थानी 1,000 लोग राजस्थानी हैं, बाकी 28-30,000 टोटल अगर एवरेज देखा जाए तो पूरी इंडिया के लोग वहाँ पर बैठे हैं, जिसमें पंजाबी भी लोग हैं और भी केरला वगैरह, तो आपको पता है सब जगह मिल ही जाते हैं। तो 28-30,000 लोगों में 1,000 राजस्थानी हैं, और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि साथियों वहाँ कोरोना ने पैर पसार रखे हैं, आपको सबको पता ही है, मैंने कोरोना अपडेट इराक से रिलेटेड दिया था। आगे पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं साथियों कोरोना से रिलेटेड। मैं बता दूं, इराक में साथियों लगभग 1,41,000 प्लस अभी तक कोरोना केस पाए गए हैं। जी हाँ, उसमें मौत की बात करें तो भाई लगभग 5,200 यानी 5,200 या 5,300 मौतें हो चुकी हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से मौतों का रेशियो, डेथ का रेशियो ज्यादा है, रस से ज्यादा आ रहा है। जी हाँ, रिकवरी 1,10,000 बता रहे हैं कि भाई 1,10,000 आंकड़े लोग रिकवर हो गए हैं, लेकिन 30-35,000 के करीब अभी भी आंकड़ा है जो पेंडिंग में है। इतने लोग वहाँ पे रिस्क हालत में चल रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। अब ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि इतने दिन तो क्या हमारे जो इंडियन लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई कोरिया की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे आपको पता चलता है, इराक में जो गृह युद्ध छिड़ रखा था पूरा इराक बर्बाद हो चुका है। जो प्रोजेक्ट हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, डॉलर में मिलती है, आपको पता है इराक में अमेरिका के अंडर में ये काम हो रहा है, उनकी सेना वहाँ पे पड़ी है। कोरिया कंपनी में 28-30,000 इंडियन वर्कर हैं। अब दिक्कत उनको ये आ रही है कि वहाँ कंपनी में भी कोरोना घुस चुका है। जी हाँ साथियों, कोरोना लगभग 5-6 दिन पहले न्यूज़ आई थी, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने बताया 5-7 बंदे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब इंडिया में भी एक ही आया था भाई, एक ने 21 लाख पहुँचा दिया, तो अब 5-7 बंदे पहुँच गए तो फिर क्या बचेगा, फिर आप सोचने की बात है। तो अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, इन फ्लाइट की दिक्कत है। जी हाँ साथियों, वंदे भारत 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी वंदे भारत आ जाएं, उसमें कहीं पर भी मैंने इराक की फ़्लाइट का जिक्र नहीं देखा, नहीं आपने देखा होगा कहीं पे, इराक का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अभी ये 30,000 लोग हैं, कोरोना फैल चुका है और इराक सरकार ने 6 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि 6 महीने कोई मजदूर बैठ के खा नहीं सकता, और चलो वो मजबूरी में खा लेता है तो कंपनी उसको बिठा के दे नहीं सकती, तो ये बड़ी प्रॉब्लम समस्या आएगी। हालांकि उनकी कंपनी अच्छी है, कोरिया वाली जो कंपनी है वो अच्छी बता रहे हैं, सैलरी उन्होंने पिछले महीने तक दे दी है, सैलरी पेंडिंग में नहीं बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सैलरी कब तक वो देगी, इतना पैसा तो आपको पता है भैया, भरे हुए तो कुएं भी, जो कुएं होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कितना बैठे बैठे को खिलाएगी। मेन प्रॉब्लम उनकी फ़्लाइट की आ रही है। इंडियन सरकार को चाहिए कि भाई इराक, अब फैसला हुआ है कि 1 हफ्ते की 1 फ्लाइट भेजेंगे, तो भाई 30,000 आदमी है, 1 हफ्ते की 1 फ्लाइट जाएगी, 150-160 बंदे पहुँचेंगे, तो कब तक पहुँचेंगे, 1 साल में, इतने में क्या बचेगा, फिर सोचने की बात है। तो सरकार को चाहिए कि रेगुलर फ्लाइट देके, जैसे और कंट्रीज में जा रही हैं वहाँ पर भी फ्लाइट देके उनको रेस्क्यू किया जाए। इराक में तो पहले भी सरकार ने रेस्क्यू किया, अभी तो रेस्क्यू की जरूरत ही नहीं है, अगले टिकट का पैसा खुद देके आ रहे हैं, तो फ्लाइट भेजने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगर फ्लाइट नहीं भेजोगे तो वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया के हालात, इंडिया के बंदे बचेंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग हैं, बाकी तो बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, इतने तो लोग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सबसे ज़्यादा इंडिया के, तो इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो सरकार से भी अनुरोध हम करेंगे कि भाई फ्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करें, ताकि वहाँ के जो लोग इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया के लोग, वो उनको वापस लेके आए। टिकट का पैसा वो दे रहे हैं, सरकार की जेब से नहीं लग रहा है पैसा, और सरकार ने अभी तक दिया भी नहीं है। वंदे भारत मिशन ही चल रहा है, मिशन तो ऐसे है कि सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जबकि लोगों की जेब ढीली हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं सरकार जल्द ही इराक में इंडियन जो 28-30,000 वर्कर हैं उनको जल्द ही फ्लाइट के द्वारा इंडिया लेके आएगी। बस ये अपडेट थी, नई अपडेट के साथ मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।